जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देशन में अपराधियों का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बता दें, थाना सिकरारा व थाना बक्सा की संयुक्त पुलिस टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। चेकिंग के दौरान जौनपुर तथा अयोध्या के विभिन्न थानों में वांछित अंतर जनपदीय अपराधी व पुलिस आमने सामने। पुलिस मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में लगी गोली, गोली लगने से हुआ घायल, जिसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश हुआ फरार। सीओ परमानंद कुशवाहा मौके पर पहुंचे। अभियुक्त के कब्जे से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, दो खोखा 315 बोर, एक पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के किया बरामद। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में शातिर एवं दुर्दांत अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में बीती रात थाना सिकरारा अंतर्गत पुराना बरगुदर पुल के पास एसएचओ सिकरारा एवं एसएचओ बक्सा की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। चेकिंग के लिए रुकने पर भागने लगे और पुलिस को लक्ष्य करके उन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान रजनीश यादव निवासी जहीरगंज थाना पूरा कलंदर जनपद अयोध्या के रूप में हुई। एक बदमाश मौके से भागने में सफल रहा, जिसका नाम राजन सोनकर निवासी चौरा थाना जलालपुर है। घायल बदमाश के कब्जे से मौके से ही एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल ये बरामद हुए। घायल बदमाश एक साथी अपराधी है, जिसके विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इस प्रकरण में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।